केजरीवाल। मैं सीधा अपने सहयोगी पल्लवी झा का रुख कर रही हूं, क्योंकि पल्लवी भी लगातार बनी हुई हैं और खबर राहुल गांधी के पहुंचने की थी, केजरीवाल उनके परिवार से मुलाकात की थी, भगवंत मान के पहुंचने की थी। कुछ अपडेट पल्लवी, क्योंकि हलचल मुझे लग रहा है कि कुछ आपके यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि भगवंत मान और राहुल गांधी पहुंचेंगे, तो फिलहाल जो है भगवंत मान यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सीधी मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है उनको यहां पर पहुंचे हुए। उससे पहले पंजाब की पुलिस यहां पर मौजूद थी, उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद जो है एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, वो पूरा यहां पर बनाया गया और उसके बाद यहां पर भगवंत मान पहुंचे। और चूंकि भगवंत मान हमेशा से ये कहते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके बड़े भाई हैं और उनकी शादी के दौरान भी बहुत सारी ऐसी विधियां थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी ने भागीदारी दी थी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ता भी उन्होंने बनाया हुआ है अरविंद केजरीवाल से। पार्टी के तौर पर तो माने ही जाते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम हुई है उसको लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह के वक्त में गोपाल राय यहां पर पहुंचे थे, उसके बाद भगवंत मान यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से खबरें आई हैं कि राहुल गांधी के पहुंचने की भी बात है, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कर्नाटक की सीईसी की जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी उनके परिवार से मिलने पहुंचेंगे। हालांकि उनकी बातचीत जरूर हुई है, लेकिन गहमा गहमी जिस तरीके से अभी लग रही है ऐसा माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में यहां से भगवंत मान निकलेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसकी तस्वीर बीजेपी दफ्तर के बाहर आपको साफ तौर पर दिखाई दी कि वहां पर तमाम जो नेता और उनके जो मंत्री हैं उनको डिटेन किया गया, उनको वहां से हटाया गया और लगातार कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखा रही है दिल्ली पुलिस। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी पूरा माहौल है इस वक्त दिल्ली में वो एक नए रूप में दिखाई पड़ रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी रंग बहुत होते हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और बहुत सारे समीकरण भी बदलेंगे। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो विचारों में मतभेद दिखाई देता था वो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से एक सुर में दिखाई दे रहा और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो इसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज किस तरीके से कोर्ट ये फैसला लेती है, किस तरीके से बातें सामने आती हैं, वो इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के सिर्फ बड़े नेता ही नहीं है, बड़ा चेहरा भी है इंडिया गठबंधन के। और ऐसे में जनसंपर्क आम लोगों से ना हो पाना, चुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से सभाएं होती है वो ना हो पाना, कहीं ना कहीं वो बड़ा डेंट दे सकता है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से आंदोलन करती है, बेशक वो जेल में भी रहेंगे लेकिन जिस तरीके से खबरें आई हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और तमाम जो सरकारी काम होते हैं वो मंत्रियों के जरिए कराया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ और भी रणनीति पर काम चल रहा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि ईडी उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और देखिए ये जो इनको आशंका थी उसको लेकर के इनकी जो टीम है पूरी वो तैयारी कर चुकी थी और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी रणनीति तैयार है। तो देखना होगा कि आज कोर्ट से किस तरीके से रुख मिलता है, किस तरीके से सामने चीजें आती है, उसके बाद ही पार्टी फैसला लेगी कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। पूजा, बिल्कुल रणनीतियां यहां पर हर ओर से बनाई जा रही है।